दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख इग्नोरिंग फिलिस्तीन और द गार्डियन में छपे लेख द ऑब्जर्वर व्यू ऑन द इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन खींचतान में फंसती दुनिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। वैसे तो दुनिया में राजनीतिक और धार्मिक लड़ाइयों की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन लड़ाइयों की ऐतिहासिक जड़ें मध्य पूर्व एशिया में रही हैं। हालांकि मध्य पूर्व देशों के बीच संघर्ष के पीछे धर्म को वजह समझा जाता रहा है, लेकिन सच यह है कि यहाँ धर्म की आड़ में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाती रही है। मौजूदा वक्त में इसराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष इसी का एक उदाहरण है। जिस तरह से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे मौजूदा संघर्ष पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, उससे लग रहा है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति शायद ही इससे अनजान होगा। इस खूनी संघर्ष में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं। हालांकि दुनिया के मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ एकजुट होते दिख रहे हैं। यही कारण है कि इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने हाल ही में एक आपातकालीन बैठक की। OIC ने बयान जारी कर इसराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इसमें तुर्की और सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कई देश इसराइल के भी समर्थन में हैं। अमेरिका इसराइल का करीबी सहयोगी है और पर्दे के पीछे से वो इसराइल को सहयोग करता हुआ दिख रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी संघर्ष विराम की अपील की है, लेकिन इसे लेकर वो ज्यादा गंभीर नहीं दिखते। साथ ही यह भी देखने की जरूरत है कि इस पूरी राजनीति में भारत कहाँ खड़ा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो बात कही है उसे एक संतुलित बयान के रूप में देखा जा रहा है। यह समझना बेहद जरूरी है कि भारत किसी भी देश के समर्थन में खुलकर क्यों नहीं बोल रहा। आइए इन सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं। दरअसल इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष कोई नया नहीं है। आज से करीब 100 साल पहले यूरोप में जब यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था, तभी यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी थी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाला फिलिस्तीन का इलाका मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए पवित्र माना जाता था। यही कारण है कि यहाँ यहूदी लोग बड़ी संख्या में आकर बसने लगे और स्थानीय लोगों में उन्हें लेकर विरोध शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। आखिरकार 1948 में इसराइल की स्थापना हो गई। इसराइल के गठन के साथ ही एक स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में बदल गया। अगर मोटे तौर पर कहें तो इस तनाव की जड़ यरूशलम है, जो इसराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए ही पवित्र स्थल माना जाता है। हिब्रू भाषा में यरूशलाइम और अरबी में अलकुद्स के नाम से जाने जाने वाला यह शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इस शहर को कई बार कब्जाया गया, ध्वस्त किया गया और फिर से बसाया गया। शहर के केंद्र बिंदु में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। इसके चार इलाके हैं जो चार अलग अलग समुदायों मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और अर्मेनियाई के हैं। ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। यह दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यहीं ईसा मसीह की मौत हुई थी, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वो अवतरित हुए थे। यानी यह जिस जगह पर स्थित है वो ईसा मसीह की कहानी का केंद्र बिंदु है। सेंट जेम्स चर्च और मॉनेस्ट्री में अर्मेनियाई समुदाय ने अपना इतिहास और संस्कृति सुरक्षित रखा हुआ है। चारों इलाकों में सबसे पुराना इलाका अर्मेनियाइयों का ही है। यह दुनिया में अर्मेनियाइयों का सबसे प्राचीन केंद्र भी है। यहूदी इलाके में कोटल या पश्चिमी दीवार है। यह वॉल ऑफ द माउंट का बचा हुआ हिस्सा है। ऐसी मान्यता है कि यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर हुआ करता था। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। अगर मुस्लिमों की बात करें तो इनका इलाका चारों में सबसे बड़ा है। यहीं पर डोम ऑफ द रॉक्स और मस्जिद अल अक्सा स्थित है। यह एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी और यहाँ से वो आसमान में गए थे।
यहाँ से कुछ कदम दूर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है, यहीं पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। सवाल है कि आखिर तनाव का क्या कारण है। दरअसल ये चारों ही इलाके 35 एकड़ के एक परिसर में हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई मुस्लिम और यहूदियों के बीच है। मोटे तौर पर कहें तो अल अक्सा मस्जिद ही लड़ाई की वजह है। मुस्लिम और यहूदी दोनों ही इस जगह को पवित्र मानते हैं और दोनों ही इस पर अपना अधिकार भी जताते हैं। 1967 की लड़ाई में पूर्वी यरूशलम को इसराइल ने जॉर्डन से छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था और इसी इलाके में यह अल अक्सा मस्जिद स्थित है। मौजूदा वक्त में अल अक्सा मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी मुस्लिमों के पास है, लेकिन मस्जिद वाले इलाके यानी पूर्वी यरूशलम में इसराइल यहूदियों की बसावट में कई दशकों से इजाफा कर रहा है ताकि यह इलाका यहूदी बहुल हो जाए और पूरे यरूशलम पर अधिकार जमाने में आसानी हो। लेकिन इसराइल के बढ़ते कदम को फिलिस्तीन समेत दुनिया के मुस्लिम देश रोकना चाहते हैं और यही कारण है कि वे इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इस पूरे मामले पर मुस्लिम देशों का क्या कहना है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई पर मुस्लिम देश कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं। यही कारण है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। जारी टकराव को लेकर सऊदी अरब और तुर्की खुलकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में बोल रहे हैं। सऊदी अरब ने इस टकराव के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है और इस टकराव में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन होने की बात कही है। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन में हर तरह के कब्जे को खत्म करने का समर्थन करते हुए फिलिस्तीनियों को यरूशलम वापस लौटाने की बात कही है। इधर तुर्की के राष्ट्रपति रेचिप तैयब एर्दोगन रूस और कई इस्लामिक देशों के प्रमुखों से इस पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इन दोनों ही देशों में इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की होड़ लगी है। सऊदी अरब के पास मक्का और मदीना है तो तुर्की के पास विशाल ऑटोमन साम्राज्य की विरासत। यही कारण है कि ये दोनों देश ज्यादा सक्रिय हैं। हालांकि बहरीन, यूएई, ईरान, पाकिस्तान आदि मुस्लिम देश भी एक सुर में इसराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ये मुस्लिम देश एक साथ आ पाएंगे? क्या ये मुस्लिम देश इसराइल को झुका पाने की हालत में हैं? दरअसल ऐसा होता आसान नहीं दिख रहा। सऊदी अरब का इसराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन तुर्की का संबंध है। यूएई और बहरीन के भी इसराइल के साथ राजनयिक रिश्ते हैं। हालांकि तुर्की ने इसराइल से रिश्ते कायम करने के लिए यूएई और बहरीन की आलोचना की थी, जबकि खुद तुर्की के इसराइल से राजनयिक संबंध है। तुर्की इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश है। इसके अलावा इन देशों के बीच आपसी तनातनी भी एक बड़ी समस्या है। जहां तुर्की और सऊदी अरब में मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने का मुकाबला है, वहीं ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते में चौड़ी खाई है। मोटे तौर पर कहें तो मुस्लिम देशों का इसराइल के खिलाफ एक साथ आना आसान नहीं है। यही कारण है कि दुनिया के ये मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। मुस्लिम देशों के बाद आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर अमेरिका का क्या रुख है। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल से संघर्ष विराम की अपील कर दी है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ने अपना रुख साफ करने में ज्यादा वक्त लिया। इसकी वजह है कि अमेरिका का इसराइल के साथ बेहतर संबंध रहे हैं। हमेशा ही वह इसराइल की हथियार और पैसों से मदद करता रहा है। न केवल अमेरिकी सरकार बल्कि अमेरिकी जनता का एक बड़ा धड़ा भी इसराइल समर्थक है। ऐसे में अमेरिकी सरकार के लिए इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं है। यही कारण है कि बाइडेन प्रशासन एक तरफ संघर्ष विराम की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सुरक्षा परिषद को उसने 3 बार बयान जारी करने से रोके रखा, जिसमें इसराइल से सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया था। इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद में फ्रांस द्वारा संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो करने की भी बात कही है। अमेरिका के इस रुख के क्या मायने हैं, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। थोड़ा और पीछे जाएं और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को याद करें तो पता चलेगा कि उस दौरान पूर्वी यरूशलम में इसराइल को किस हद तक छूट दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को इसराइल की आधिकारिक राजधानी तक घोषित कर दी थी। अमेरिका ने अपना दूतावास तेल अवीव से हटाकर यरूशलम स्थानांतरित कर लिया। इससे दोनों देशों के रिश्तों को नई जिंदगी मिली। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस संघर्ष में रुकावट नहीं आई तो दुनिया की शांति के सामने कई प्रकार की विकट परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा अमेरिकी सरकार को मजबूर होकर लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष पर गहराई से विचार करना पड़ सकता है। अब सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में भारत कहाँ खड़ा है। गौर करें तो इसराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया के देश बटे हुए दिख रहे हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो फिलिस्तीन और इसराइल किसी भी तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहते। वे देश इस मुद्दे पर संतुलित राय रखते हैं। भारत इन्हीं में से एक देश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के दूत TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत फिलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्र के सिद्धांत को लेकर वचनबद्ध है। भारत ने दोनों ही पक्षों से संघर्ष विराम की बात कही है। भारत के मुताबिक इस संघर्ष में मासूम लोगों की जाने जा रही हैं और भारत इसका कतई समर्थन नहीं कर सकता। अब सवाल है कि भारत किसी भी एक के पक्ष में खुलकर बोलता हुआ क्यों नहीं दिख रहा। दरअसल भारत के फिलिस्तीन और इसराइल दोनों से अच्छे संबंध रहे हैं। फिलिस्तीन से तो इसराइल से भी पुराने संबंध है। मौजूदा वक्त में भारत और इसराइल के बीच रक्षा सौदों में बढ़ोतरी हुई है। 70 सालों में श्री नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री श्री मोदी और इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोगों के प्रति हमेशा ही भारत की नीति सहानुभूतिपूर्ण रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था। 1996 में भारत ने गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे बाद में 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया। अनेक बहुपक्षीय मंचों पर भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे को समर्थन देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। साथ ही अरब देशों के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और सभी अरब देश एकजुटता के साथ फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। ऐसे में भारत असमंजस की स्थिति में है। यही कारण है कि भारत किसी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहता और कूटनीतिक समझबूझ के साथ संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत ऐसा इसलिए भी कर रहा है कि भारत की इसमें कोई सीधी हिस्सेदारी नहीं है और वो जमीनी तौर पर इस संघर्ष पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। भारत जिस संतुलन की बात कर रहा है उसके लिए इससे ज्यादा कुछ कहने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि वहां जो हो रहा है वो एक ऐतिहासिक समस्या है और दोनों पक्षों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। लिहाजा भारत शांतिपूर्ण समाधान की अपील करते हुए रचनात्मक रुख ही अपनाए रखना चाहता है। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो। गौरतलब है कि अक्टूबर 2016 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के दावे को खारिज कर दिया था। यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने इस प्रस्ताव को पास भी किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि अल अक्सा मस्जिद पर मुस्लिमों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। गौर करें तो पूरी दुनिया भी इसराइल द्वारा 1967 में हत्याए गए पूर्वी यरूशलम पर से अपना दावा छोड़ने की बात करती है, यानी 1967 से पहले वाली स्थिति को बहाल करने की अपील करती है। अभी सुरक्षा परिषद में भारत ने भी इसे दोहराया है, लेकिन इसराइल अपनी जिद पर अड़ा है। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जब हम फिलिस्तीन का नाम लेते हैं तो इसमें दो प्रांत हैं। एक को वेस्ट बैंक कहते हैं, जो पूर्वी यरूशलम वाला हिस्सा है, दूसरा है गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी शासन करती है, जबकि गाजा पर हमास शासन करता है, जो एक फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन है। इसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन चरमपंथी गुट मानते हैं, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसा नहीं मानते। जानकारों की माने तो स्थायी शांति के लिए इसराइल को फिलिस्तीनियों की संप्रभुता स्वीकार कर लेनी चाहिए, जिसमें हमास भी शामिल है। लेकिन इसराइल का कहना है कि वह फिलिस्तीन से तब तक बात नहीं करेगा जब तक वहां की सरकार हमास का साथ नहीं छोड़ देती। हालांकि जानकार इसे इसराइल के एक बहाने के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इसराइली सरकार भी जानती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे में इसराइल को न केवल फिलिस्तीन पर हमला करने का मौका मिलेगा, बल्कि वह मुस्लिम बहुल इलाके वेस्ट बैंक में ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को बसा सकेगा। ऐसा करके इसराइल ज्यादा से ज्यादा जमीन पर अपना दावा कर सकेगा। हालांकि जानकार कहते हैं कि उसे गाजा से नाकेबंदी खत्म कर लेनी चाहिए और पूर्वी यरूशलम से पाबंदियां भी हटा लेनी चाहिए। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी गुटों को स्थायी शांति के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा और इसराइल को स्वीकार करना होगा। सीमाओं, यहूदी बस्तियों और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी के मुद्दे पर दोनों पक्षों को किसी ऐसे समझौते तक पहुंचना होगा जो उन्हें कबूल हो। लेकिन इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से ज्यादा इसराइल और फिलिस्तीन की खुद की पहल ज्यादा कारगर साबित होगी। इसके लिए दोनों पक्षों को नए नेतृत्व की जरूरत है जो युद्ध नहीं बल्कि शांति की दृष्टि से काम करे। संघर्ष विराम एक जरूरी और पहला कदम है और इसकी तुरंत जरूरत है। यह संघर्ष विराम ऐसा होना चाहिए जिसमें दो स्थायी राज्य समझौते के लिए
एक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक अभियान शुरू हो और दोनों तरफ से लोग शांति से रह सकें। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत द्वारा संतुलित बयान के क्या मायने? क्या किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? टिप्पणी कीजिए।